आपका हमारे YouTube चैनल राधा श्याम नॉलेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रोचक कथा, जय श्री कृष्ण। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वह राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। हिरण्यधनु मगध नरेश जरासंध की सेना का प्रमुख सेनापति था। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युम्न था। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य के शासक बने। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचालन किया, बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चले गए। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य यह धनुर्कौशल देखकर दम रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अतिमेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निस्संदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। 3 ऐसी ही रोचक कथा के लिए हमारे चैनल राधा श्याम नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम आपके लिए समय समय पर रोचक कथा लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।